विकास दुबे के एकदम से पुलिस का कहना है कि उसके पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही निकल गया। पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि विकास दुबे के पीछे है, तो एक संदेश ये भी है कि अगर कोई भी जो अंकुर और उसके पिता श्रवण गिरफ्तार हुए हैं, इनके जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी ने भी शरण दी तो वो बख्शा नहीं जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। दूसरी चीज़ जो प्रभात गिरफ्तार हुआ उससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पुलिस जानने में लगी हुई है कि पूरी जो साजिश रची गई ठीक एनकाउंटर के पहले किसका फ़ोन आया था, उसके बाद क्या तुरंत पूरी मारने की तैयारी की गई थी, कुल कितने लोग थे, कितनी बड़ी मात्रा में उनके पास हथियार वहाँ पे जुटा हुआ था, वो हथियार कहाँ से आया था, पहले से रखा गया था, और दूसरी चीज़ कि जब वो वहाँ से कानपुर से निकल करके भागा तो फरीदाबाद तक उसका पूरा रूट क्या था, किस किस के पास रुका, कहाँ वो गया, किस किस ने शरण दी, तो साजिश से लेकर के आज तक की जो पूरी कहानी है वो प्रभात पुलिस प्रभात से लगातार जानने की कोशिश कर रही है। और अंकुर और श्रवण की गिरफ्तारी के बाद ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अगर किसी ने मदद की तो वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस उसके पीछे है। और अब ये जानकारी निकल करके आ रही है सूत्रों के जरिए कि यहाँ जब से अंकुर श्रवण और प्रभात इन तीनों की गिरफ्तारी हुई तो यहाँ से अकेले ही निकल करके विकास दुबे भागा है।